हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही फेमस दवा है जिसका नाम है इंट्रोक्यूनॉल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में इंट्रोक्यूनॉल टैबलेट के बारे में, जैसे कि उसके कौन कौन से फायदे हैं या किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है, क्या कंपोजिशन डाला गया है, डोज कैसे लेना है, खाने के बाद क्या साइड इफेक्ट करेगा, कितने रुपए का आएगा और कहाँ पर मिलेगा, पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर बात करें इंट्रोक्यूनॉल टैबलेट के बारे में, तो ये आपको 20 गोली आती है एक स्ट्रिप में, जिसकी प्राइस 48 रुपीस है, करीब करीब 50 रुपया है, मतलब 2 रुपया या 2.5 रुपया पड़ेगा आपको एक टैबलेट का। इसको बनाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, अगर बात करें इंट्रोक्यूनॉल के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें डाला गया है क्यूनियोडोक्लोर। क्यूनियोडोक्लोर जो है एक एंटी एमोबिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी वाला ड्रग है। अगर बात करें इंट्रोक्यूनॉल टैबलेट के यूज के बारे में या फायदे के बारे में, तो हमारे पेट में जो वाम इन्फेक्शन होता है, आंतों में जो पैरासाइट की वजह से वाम इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ये ठीक करता है। उसके अलावा इंटेस्टाइनल एमोबियासिस में भी इसका यूज किया जाता है। उसके साथ साथ बहुत और भी बहुत सारे इन्फेक्शन में ठीक किया जाता है, जैसे एक्जिमा, डर्माटाइटिस, वजाइनल इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो पेट की बीमारियों की वजह से होती है। जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या इचिंग हो रही है, डर्माटाइटिस हो रही है, तो आपका पेट में इन्फेक्शन है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको इंट्रोक्यूनॉल देंगे, क्योंकि पेट की जो बीमारी है वो ठीक हो तो उसके अलावा ये भी ठीक हो जाएगा, मतलब उसकी जो बीमारी है पेट की बीमारी की वजह से हो रही है, तो इसकी वजह से इसका यूज और भी बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके पेट में या आंत में बीमारी हो जाती है, जैसे इंटेस्टाइनल एमोबियासिस या वाम इन्फेक्शन, तो आपको आपका जो पेट है वो गड़बड़ रहेगा, आपको बहुत ज्यादा पेचिस होगी, दस्त होगी, तो इसका यूज दस्त और पेचिस में भी किया जाता है, या आपका खाना पच भी नहीं रहा है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपको जो मुंह का स्वाद है वो टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपको दूर का दिखाई देना, मतलब विलर विजन होगा, ब्लर होगा आपका विजन, धुंधलापन दिखाई देगा। उसके अलावा आपको टायर्डनेस रहेगा, स्लीपनेस रहेगा, आपको डिजनेस भी आएगा, तो ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मली आपको नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया देखने को मिल सकता है, तो ये सब साइड अगर इफेक्ट आपको दिखे तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका जो डोज है, नॉर्मली 2 बार दिया जाता है, एक सुबह एक शाम, वो भी खाना खाने के बाद। ये आपको 3 दिन या 5 दिन का कोर्स चलता है, डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से इसका डोज चलाता है। और इसको बात करें अगर सेफ्टी की, तो इसको जो प्रेग्नेंट महिला है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। जिसको सीवियर बीमारी है, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर या और कोई सीवियर बीमारी है, बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। ये जो टैबलेट है ये अडल्ट के लिए है, बच्चों के लिए सिरप आता है तो बच्चों के लिए सिरप का यूज करें, और बड़ों के लिए ये आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो टैबलेट है इंट्रोक्यूनॉल बहुत ही फेमस है, आपको आपके नजदीकी मेडिकल पर जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी इंट्रोक्यूनॉल टैबलेट की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।